ज्ञानवी वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, आप अपने और अपने परिवार की अच्छे से ख्याल रख पाएं, उनकी सेहत पर ध्यान दे सकें, इसके लिए हम सेहत से जुड़ी एक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको टैटू से होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा कि टैटू आपकी बॉडी के लिए किस हद तक नुकसान साबित हो सकता है। फैशन की दुनिया में अपनी बॉडी पर टैटू बनवाना भी एक ट्रेंड सा चल गया है। टैटू से यूनिक दिखने के साथ साथ लोगों को टैटू से होने वाले नुकसान के बारे में भी जान लेना चाहिए। दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि टैटू बनाने के लिए जो लाल रंग की स्याही इस्तेमाल की जाती है उसमें मरक्यूरियस सल्फाइड पाया जाता है, जबकि नीले रंग की स्याही में एल्युमिनियम और कोबाल्ट मौजूद होता है। इसके अलावा दूसरे रंगों की स्याही में शीशा, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, टाइटेनियम और भी कई तरह की धातु मिलाई जाती हैं, जो कि अपनी बॉडी के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे हमारे त्वचा पर असर पड़ता है, स्किन की बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि इससे कैंसर भी हो सकता है। इन सब के अलावा मैं आपको एक घटना के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ जिस पर वाकई में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यूपी के वाराणसी ज़िले में एक घटना सामने आई है जिसमें 12 युवक एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। एक के बाद एक इतने युवकों में वायरस पाया गया तो इस मामले की तहकीकात की गई और रिजल्ट यह निकला कि युवकों ने एक ही दुकान से टैटू बनवाया था। उनमें से ज़्यादातर लोगों की उम्र 20 से 25 साल थी। उनमें से ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि उन्होंने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाया था। इस मामले की तहकीकात में चिकित्सक विभाग को यह पता चला कि इसमें गलती टैटू बनाने वाले के द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि टैटू आर्टिस्ट ने टैटू बनाने के लिए सभी पर एक ही नीडल का इस्तेमाल किया करता था, जो कि किसी एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ गई थी और उसी नीडल का इस्तेमाल बाकियों पर किया गया, जिसकी वजह से सभी में इस बीमारी का संक्रमण तेजी से फैल गया। दोस्तों, इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए ऐसे में यही कहा जा सकता है कि टैटू बनवाते समय ज़्यादा सावधानी बरतें। आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि टैटू बनाने वाला इसका अच्छा जानकार हो, उसके पास आधुनिक उपकरण हो, इसके साथ साथ वह सफाई का भी पूरा ध्यान रखता हो और टैटू बनाने वाली जगह पर भी नियंत्रित रूप से एंटीबायोटिक क्रीम लगाते रहें। दोस्तों, ऐसी बहुत सी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।